Hey guys, namaste, salam alaikum. I hope you all are doing great. So today I thought of giving a sweet surprise to my husband. मैंने सोचा क्यों ना आज मैं रबड़ी खीर बनाऊं क्योंकि उनको बहुत पसंद है रबड़ी खीर. It's a dessert like pudding. My husband loves it and I love to see that smile on his face. Hey guys, आपने notice किया होगा कि मैं सारे comments के answer करती हूँ. I love replying to each and every comment because it makes my day. मेरा दिन बन जाता है आप सबके comments पढ़के. I'm loving your support and keep it going. So I woke up to a very happy Charu today and I'll just have a quick and healthy breakfast. तो मैंने जल्दी से एक omelet बनाया, एक apple काटा और एक orange काटा. इसके बाद फिर बनाते हैं रबड़ी खीर. खीर तो सभी बना लेते हैं बट आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम कैसी खीर बनाते हैं अपने घर में. इट्स अ बिट डिफरेंट एंड रबड़ी लाइक ऑफ कोर्स. तो सबसे पहले मैंने एक मुट्ठी चावल लिया और उसको पानी में भिगा दिया क्योंकि खीर बनाने के लिए टूटे चावल चाहिए होते हैं. मेरे पास बासमती राइस है, वो लंबा होता है, इसलिए मैंने उसको पानी में भिगा दिया ताकि वो इजीली टूट जाए बाद में. अगर आपके पास टूटे हुए चावल हैं तो आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट भिगाने की ज़रूरत है. तो रबड़ी खीर बनाने के लिए हमको चाहिए 4 या 5 इलायची, किशमिश, थोड़े से बादाम और थोड़े से अखरोट. यू कैन टेक योर चॉइस ऑफ नट्स, मुझे ये पसंद है तो मैंने ये चूज किए हैं. और ऑफ कोर्स फिर आपको फुल फैट मिल्क चाहिए इफ यू वांट अ गुड टेस्ट इन योर खीर, चावल और शुगर. बस इतनी सी चीजों में आप बना सकते हैं ये स्पेशल रबड़ी खीर. मैं ये खीर 3-4 लोगों के अकॉर्डिंगली बना रही हूँ. हस्बैंड के लिए तो सरप्राइज है ही बट मेरी फ्रेंड का बेबी बॉय भी हुआ है. गिफ्ट तो मैं ले आई हूँ बेबी के लिए, अब मैं ये खीर भी लेके जाऊंगी उनके घर. सो मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं 1 लीटर मिल्क डाल रही हूँ. मैंने एल्यूमिनियम का बर्तन लिया है क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है अगर खीर बनाए तो. नॉन स्टिक पैन में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता. अब मैंने पैन को गैस पे रख दिया है फुल फ्लेम पे और उसको एक उबाल आने देना है. जब मिल्क को फुल फ्लेम पे रखते हैं तो शायद वो नीचे लग सकता है या जल सकता है, सो इट्स बेटर कि उसको हिलाते रहें. तो अब मिल्क में फर्स्ट बॉईल आ गया है. अब मैं इसमें टूटे हुए चावल जो मैंने भिगाए थे उनको हाथ से तोड़ दिया था, अब मैं उनको ऐड करूंगी और फ्लेम को लो कर दूंगी. We have to keep stirring the milk. इसको stir करते रहना है और मैं ये spatula use कर रही हूँ जो baking के लिए भी use होता है. हमें इस milk को इतना पकाना है कि जितनी quantity हमने ली थी उससे half हो जाए. So now I'm taking the cardamoms, elaichi लेके मैं इसको थोड़ा सा पीस लूँगी and then I'll put the powder into the milk. उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इलायची की खीर से. जब मैं अपने हस्बैंड के पसंद की कोई चीज़ बनाती हूँ तो मुझे इतना एक्साइटमेंट होता है उसको बनाने में एंड आई फील सो हैप्पी फ्रॉम विद इन. मैं बस वेट करती रहती हूँ फिर कि कब आएंगे वो ऑफिस से, कब मैं उनको ये सरप्राइज दूंगी. एंड देन जब वो तारीफ करते हैं खाने की तो
obviously हर housewife को अच्छा लगता है जब उनके husband उनके खाने की तारीफ करें और खुश भी हों। इलायची पाउडर डालने के बाद मैं इसमें किशमिश भी डाल रही हूँ। किशमिश मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब साथ में पकाओ तो वो थोड़ी सी फूल जाती हैं और मुझे वैसा टेस्ट अच्छा लगता है। तो अब मैं शुगर ऐड करूंगी। मेरी स्पून का साइज आपने देखा तो इस हिसाब से मैंने 12 स्पून्स ऑफ शुगर डाली है। अगर आप स्पून से नहीं डालते तो आप एक बड़ी कटोरी शुगर डाल सकते हैं। देखिए ये जो ऊपर से मलाई जमती जा रही है ऐसे ही हमें मिल्क को पका के ये रबड़ी बनाते जानी है। इस तरीके से मैंने इसको 30 मिनट्स तक कुक किया और जब भी मैंने देखा कि इसमें मलाई जम रही है तो उसको हिला दिया। अब 30 मिनट्स कुक करने के बाद मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। खीर बनाने में तो ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स लग जाते हैं, इसलिए दूसरे गैस पे मैंने सब्जी भी रखी हुई है, लंच बन रहा है साथ में। थर्टी मिनट्स कुक करने के बाद ये काफी थिक हो गई है, बट अभी मुझे इसको 15-20 मिनट्स और पकाना है ये ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद। पूरे 45 मिनट्स पकाने के बाद मेरी रबड़ी खीर रेडी है। सो इजी टू मेक एंड डिलिशियस टू टेस्ट। अभी ये और थिक होगी, जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये और थिक होती जाएगी। देखिए बिल्कुल रबड़ी टाइप कंसिस्टेंसी है, इसलिए बोलते हैं इसको रबड़ी खीर। सो अब मैं इसको बोल्स में सर्व करूंगी और जब सर्व कर लूंगी तो ऊपर से और ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करूंगी। सो गाइज आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो डू शो योर लव इन द कमेंट बॉक्स। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग गाइज।